वेलकम टू माय चैनल सुंदर बेल क्लासेस। आइए आप सब लोगों का मेरे चैनल सुंदर बेल क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग रोज पढ़ते आ रहे हैं, इसके पहले आपने देखा होगा, इसके पहले आपने लॉग पढ़ा होगा, लॉग टेबल हमने बताया था। लॉग टेबल के थ्रू लॉग फाइंड करना, और सो सेकंड आपने उसके बाद देखा होगा जो आपके वीडियो मिला होगा, एंटी लॉग फाइंड करना। नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग कैसे फाइंड करेंगे, पॉजिटिव नंबर का कैसे फाइंड करेंगे, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के लिए होता है, इलेवंथ क्लास या ट्वेल्थ क्लास होते हैं, या जेई मेन्स जेई एंट्रेंस के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, साइंस वाले बच्चों के लिए नेगेटिव का एंटी लॉग्स फाइंड करना बहुत बड़ी एक चुनौती होती है, बहुत बच्चों को नहीं आता है। मैंने बहुत ही सिंपल वे में सबसे पहले आप शॉर्ट ट्रिक्स फास्ट करने के लिए मैंने बताया है बाय टेबल कि एंटी लॉग कैसे फाइंड करेंगे, लॉग कैसे फाइंड करेंगे। और आज का जो मैं वीडियो बताने जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये यहाँ, ये देखिए, ये जो बताने जा रहा हूँ आपको सुपर ट्रिक हमने नाम दिया है, यानी आपको लॉग फाइंड करना है, लॉग फाइंड करना है विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। यस बच्चे, लॉग टेबल हमने नहीं यूज करना है। देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आपको इसमें लॉग टेबल नहीं यूज करना है, बिना लॉग टेबल के आप लॉग फाइंड करके आंसर बता सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं जहाँ पर हमें लॉग टेबल नहीं दिया होता है, नहीं मिलता है, और हम लॉग फाइंड करना होता है, या आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप तो भी आंसर ला सकते हैं। केमिस्ट्री में है ना, आप न्यूमेरिकल जब करते हैं तो वहाँ पर आंसर आप ला सकते हैं बिना लॉग टेबल के। कैसे करेंगे हम, आइए हमारे साथ लगे रहिए, हमारे साथ पढ़िए कैसे करते हैं, आइए बताते हैं हम। देखिए हमने जो यहाँ लिखा है आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसके लिए ये टेबल से हमने लिया है, और जब विदाउट आप टेबल आप लॉग फाइंड करेंगे किसी भी नंबर का, पॉइंट में हो या विदाउट पॉइंट हो, तो इसके लिए थोड़ा ये याद करना होगा, इसको याद रखना होगा वन से लेकर कहाँ तक। वन को तो पता है जीरो जीरो होता है, तो टू से लेकर कहाँ तक गया, टेन का वन होता है जी, तो नाइन तक, टू से ले नाइन तक याद करना होगा। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप सोच रहे होंगे इतनी कई ये हैं, आपको टू से नाइन तक कैसे याद करेंगे, सात याद कहाँ से करेंगे, सात याद नहीं करना है आपको, सात ये भी याद नहीं करना है, क्यों कैसे, तो आप देखिए आपके सामने मैं इसका ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे क्या इसका मेथड याद करने का। आपको एक याद करना है दो, यानी सेकंड दो का याद करना है, एक तीन भी याद रखना है, चार का याद नहीं रखना है, पांच याद करना है, छह याद नहीं करना है, इसको याद नहीं करना है, इसको भी याद नहीं करना है, और सेवन याद करना होगा, एट को याद नहीं करना है, और नाइन को भी याद नहीं करना है, और टेन को भी याद क्या करना है, ये तो मुश्किल कोई है ही नहीं, आप याद ना करो तो भी आंसर आ जाएगा, ये भी याद नहीं करना है, ऐसा याद करना कोई मुश्किल नहीं है। और जीरो को तो याद करना नहीं, जीरो को पता, वन का जीरो जीरो होता है, यानी वन टू, यानी टू थ्री, वन टू थ्री फोर, मात्र आपका जो वन से टेन तक का जो टेबल है सिर्फ आपको चार याद करना है, बाकी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आइए हमारे पर विश्वास करिए, कैसे मैं आपको लिए चल रहा हूँ आगे आगे की तरफ। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फुल वीडियो देखना, जब फुल वीडियो आप देखेंगे तभी आपको इस टॉपिक को, इस इंटरेस्टिंग पॉइंट को आप समझ पाएंगे कि बिना याद किए हुए और बिना टेबल को कैसे सॉल्व करेंगे। आइए देखिए, मैंने कहा कि भाई टू थ्री तो याद करना है, और फोर की बात है, जब फोर की बात है तो आइए हम फोर को कैसे याद, क्यों नहीं याद करेंगे, तो वो हम सॉल्व करते हैं आपके सामने कि कैसे क्यों नहीं याद करोगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले तो आप कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ जो यूज होने वाला है वो देख लो। आप जानते हैं प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से, हमने प्रॉपर्टीज का पूरी आप देखेंगे पीछे हमारे प्ले लिस्ट में जाकर सुंदर बेल क्लासेस के, तो एक घंटे का वीडियो हमने बना रखा करीबन, एक घंटे करीब करीब, एक घंटे पूरा नहीं है, कुछ टाइम कम है, बट वहाँ पर समझिए पूरी प्रॉपर्टीज को हमने लॉग को विद एग्जाम्पल्स विद प्रूफ प्रूफ हमने अच्छी तरह समझा रखा, वहाँ देखी गया। लेकिन जो यूज होना है यहाँ पर बता रहा हूँ मैं कि आपका लॉग, ध्यान दीजिएगा, लॉग अगर एम क्रॉस या खाली एम लिख दीजिए, ए मेन हो, तो आप जानते होंगे
इस प्रॉपर्टी से कि क्या होता है log m और प्लस क्या होता है log n होता है। यस, जब ये मल्टीप्लाई में हो तो प्लस में आता है। पहली प्रॉपर्टी हमने इसमें यूज होना है, इसलिए मैंने लिख दिया, हमने आपको याद होगा पहले से ही। और अगर ये डिवाइड में हो, अगर ये अपॉन में हो, फ्रैक्शन में हो, भिन्न में हो, है ना, भिन्न भी कहते हैं हिंदी में इसको, तो क्या हो जाएगा log m माइनस log क्या होगा n। यस, और एक और, बस ज्यादा नहीं, एक और यहाँ पे यूज होना है क्या, कि अगर मान लीजिए कि m है और इसकी आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी पावर इसका n है, तो जो एक्सपोनेंट है यानी जो पावर है वो पहले आ जाएगा और log ये। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सारे बच्चे जितने भी हैं पढ़ते हैं ये तीन तो प्रॉपर्टी हमेशा याद रहता है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो आपको लोअर क्लासेस से ही ये जानना पड़ता है हमने, है ना, क्योंकि एक्सपोनेंशियल रूल भी है उसके ऊपर डिपेंड भी है। चलिए, अब मैंने कहा कि याद नहीं करना फोर का, तो कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, फोर को मैं जो लॉग आपका लॉग, ध्यान दीजिएगा, लॉग जो आपका फोर है इसको फाइंड करना है। क्या आप ऐसा लिख सकते हो लॉग टू के पावर कितना, टू, ये लिख सकते हो आप कि लॉग टू का पावर क्या है, टू, यानी टू का पावर टू, यानी टू का घात टू का हो या टू रेज टू, टू आप पढ़ो। आज आप जानते हैं कि इस प्रॉपर्टी से आप इस टू को बाहर लिख लो या अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाहर भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो इस प्रॉपर्टी से क्या करना है कि टू आप पहले आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टू और लॉग कितना टू, है ना, आएगा ना, सेम प्रॉपर्टी आया है। अब देखिए, अब क्या होता है कि टू तो है और लॉग टू मैंने कहा से याद करना आपको, ये रहा क्या रहा जी, तो इसको लिखेंगे 0.3010। आप इसको मल्टीप्लाई करिए और आपका लॉग फोर का आंसर आ चुका है, वैल्यू आ चुका है। मल्टीप्लाई करेंगे, पता है आपको 30 तो 10 यानी 20 ही हो जाएगा, 60 ही हो जाएगा, यानी 0.6020, ये लीजिए आपके पास ये लॉग फोर, यानी ये आप लॉग फोर का वैल्यू आप जान गए। लॉग फोर क्या है ये देखिए, सेम है, अगर थोड़ा सा अप्रोक्स में भी आता है, मान लीजिए हमने कुछ लास्ट वाला पॉइंट नहीं मिलता है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आप जानते हैं कि लॉग अप्रोक्सीमेटली भी आंसर चलता है। और केमिस्ट्री जब हम सॉल्व करते हैं तो केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में आप जानते हैं न्यूमेरिकल्स में, यानी जो पॉइंट के पहले जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, करेक्टर कहते हैं, करेक्टरिस्टिक जो हमने लॉग में बता रखा है, और पॉइंट के बाद वाला जो होता है मेंटिशा कहते हैं। तो मेंटिशा में अगर कुछ डिफरेंस भी आ जाए तो नो प्रॉब्लम, लेकिन ये पॉइंट के पहले वाला यानी जो करेक्टर होता है वो आपका सेम आना चाहिए, तभी आपका आंसर करेक्ट होगा। पॉइंट के बाद वाला, राइट वाला, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो, डिफरेंस भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब मैंने कहा था कि आपको सिक्स भी याद नहीं करना है जी, है ना, यस, फाइव तो याद करना है, सिक्स भी याद नहीं करना है। तो आइए मैं अब फाइंड करता हूँ आपके सामने लॉग सिक्स। आप लॉग सिक्स को क्या आप टू मल्टीप्लाई थ्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है जी, यस, इसको आगे बढ़िया से इसी लाइन चलते हम। अब प्लस में है तो आप जानते हैं प्रॉपर्टीज कौन सा अप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई जो है यहाँ पर प्लस में आ जाएगा, यानी ये मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा, प्लस में आ जाएगा, कैसे जी, तो लॉग टू अब प्लस कितना होगा, लॉग कितना हो जाएगा थ्री, यस, लॉग टू और लॉग थ्री, और मैंने कहा था लॉग टू और थ्री याद होना चाहिए, तो यहाँ पर पुट करिए वैल्यू और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। क्या होता है पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट है यानी जीरो पॉइंट कह सकते हो, 3010, आप प्लस थ्री का आप जान रहे हैं, ये है आपका यानी पॉइंट 0.4770, यस, आप इसको प्लस करिए, जीरो यानी यहाँ आ गया है, 71 यानी 8 आ गया है, और 70 यानी 7 है, आप 437, यस बच्चे, देखिए आपके सामने किस तरह से आपका लॉग सिक्स का, लॉग सिक्स का वैल्यू आ गया। और देखिए यहाँ देखिए मिलाइए 7780, बिल्कुल करेक्ट आया है, बिल्कुल करेक्ट वैल्यू आया है। तो इसलिए मैंने कहा कि जब आपको टू और थ्री याद है तो सिक्स फाइंड हो गया, है ना। अब मैं कहा था कि हमने कि सेवन को याद करना है, एट को याद नहीं करना है, और नाइन को भी नहीं करना है, तो एट फाइंड करता हूँ। देखिए आपके सामने, ध्यान दीजिए, ये मैं इतना टाइम, मतलब आपको इतना नहीं लगेगा, आप 2 से 3 से 5 सेकंड में आप फाइंड कर लेंगे, है ना, मैं इतना क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि आपको समझा रहा हूँ, इसलिए। तो ध्यान दीजिए, सिक्स के बाद हमने आपको एट निकालना है जी, आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आपको पता है कि टू के पावर कितना आ जाएगा, थ्री, है ना,
2 2 4 4 2 8 यानी 2 2 4 4 2 8 ओके। तो ध्यान दीजिए, फिर प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी 3 पहले आ गया जी, और ये लॉग कितना 2, तो आप फाइंड हो गया लॉग 2 के वैल्यू। आप जानते हैं क्या यहाँ से भी कि क्या होता है 0.3010 एस आंसर आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका 10 30 हो जाएगा 30 यानी, और ये 9 यानी 0.90 और 30 यस आपका आंसर ये भी आ गया है लॉग 8 का। आप देख सकते हैं मिला यहाँ पर 9020 है, नो प्रॉब्लम। मैंने कहा था कि अगर कुछ डिफरेंस भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ भी 3020 है कोई नो प्रॉब्लम, आपका अभी 9 का भी आंसर आ गया, मतलब 8 का, 8 का आ गया है। चलिए इसलिए हमने 8 भी याद नहीं करना है, इस तरह से आपको पता है, आप माइंड में सर्च करेंगे 3 और 2 की वैल्यू पता है ना, ये नहीं कि आपको इतना कर देखना है, आप जब आपको फाइंड करना है तो पता है इतना हो जाना है, माइंड में सर्च करना है 3 आ गया 3 मतलब जिस फटाफट आंसर लिखे ना आपका 8 का आंसर आ गया है ना। चलिए अब मैं कह रहा हूँ कि आपको हमने बताया था कि आपको क्या नहीं करना है भाई, तो 9 भी नहीं करना है याद, ये लीजिए तो 9 भी नहीं करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। कैसे क्यों नहीं याद करेंगे भाई, तो इसलिए याद नहीं करेंगे कि 3 का पावर 2 रहेगा, यहाँ भी 9 का लिखा जा सकता है, जब 2 रहेगा तो इसको भी लिखिए 2 पहले आ गया है ना, प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड, और लॉग ये आ गया और 3 आ गया, ये लीजिए ओके। जब 3 आ गया तो पता है दोस्त 3 की पता है 2 × log 3 का वैल्यू पुट करिए, ये रहा तो क्या है 4770, ये लीजिए और मल्टीप्लाई करिए और आपका आंसर आपके साथ है। जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 × 7 × 14 5 1 7 × 14 5 1 5 सॉरी यहाँ देखिए 4 आएगा 7 × 14 4 1 7 × 14 1 5 1 और ये 4 × 8 ध्यान दीजिएगा 4 × 8 और लेकिन यहाँ पर पॉइंट भी आपको लगाना है, तो आप ऐसे ये लगा दीजिए, ये देखिए तो हमने भी पॉइंट लगाना है यहाँ पर, यानी 0 क्या आ गया है 0.8540 यस आपका ये आंसर आ चुका है, किसका 9 का आप मिला ध्यान दीजिएगा। हाँ यहाँ देखिए एक बार फिर हमें हुआ है कि थोड़ा सा ये 4 × 8 यहाँ से आपका हासिल था, यानी 9 आ गया है ना, ये अब आंसर आया है कि 9540 क्या है 9540 आप मिला यहाँ पर 9540 नो प्रॉब्लम चलेगा है ना, इतना आपको मिला था कि डिफरेंस ये चलेगा, लेकिन आपका 9540 आपका है, ये आपका आंसर आ चुका है। देख रहे हैं टीचर साहब को फाइंड करने की कोई जरूरत, याद करने की जरूरत नहीं है, आपका 4 6 8 और 9 खुद भी आपको इसको याद आप कर सकते हैं ठीक है। हमने कहा 10 भी क्या होता है 1 होता है ठीक है, तो 10 1 होता है, तो ये तो ऐसे आ जाएगा, पता आपको हमने बता रखा है, पीछे आप वीडियो देख सकते हैं हमारे प्ले लिस्ट से जाकर कि 10 1 100 2 log 1000 3 log 10000 4 यानी जितने 0 है उतने आंसर होता है उसका। अब कैसे होता है क्यों होता है तो मैंने भी पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ बता रखा हमने, आप प्ले लिस्ट में जाइए देखिए आप ठीक है। अगर मैं कहूँ तो क्या 1 है तो आपके सामने फाइंड करके दिखा सकते हैं, देखिए ये प्रूफ कर लेते हैं हम, चलो छोटी सी बात है प्रूफ कर लेते हैं, ये क्या है लॉग है ना, लॉग 10 है जी, आप क्या लिख सकते हैं इसको लॉग 2 × 5 यस, तो फिर क्या होगा अब टूटेगा क्या प्लस मल्टीप्लाई में प्लस में आएगा लॉग 2 और प्लस क्या लॉग कितना 5 आंसर ही निकालेंगे हम। लॉग 2 की वैल्यू पता है 3010 यानी 0.3010 और प्लस लॉग 5 की वैल्यू यहाँ से लेना हमने क्या है 0.6970 है ना 6970 ध्यान रखिए आप इनको प्लस करिए आपके पास इसका आंसर आ गया है। 0 करेंगे 0 हो जाएगा 0 और 7 और 1 क्या हो गया यहाँ पर 8 हो गया ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, और फिर 0 9 या 9 आ गया है ठीक है ना, और 6 और 3 क्या होगा यहाँ पर है 9 आ गया है। देखिए आप कहेंगे कि आंसर क्या आया आपका 0.998 हो गया, तो 0.998 आप देख सकते हैं कि 9980 है यानी बिल्कुल 1 के करीब है ये है ना, तो इसको हम आप अप्रोक्सीमेटली इसको क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, मैं यही लिखता हूँ आपका आंसर, ये आप इसको 1 लिख सकते हैं, आप राउंड अप करके इसको 1 लिखा जा सकता है, इसलिए 10 क्या है 1 है ना। मैंने पहले कहा है कि लॉग में आपका अप्रोक्स चलता है, अप्रोक्सीमेटली चलता है, बिल्कुल करेक्ट है ना, एक्यूरेसी इसमें नहीं है, एक्यूरेसी इसमें नहीं है, आपको अप्रोक्सीमेशन भी होता है कि पॉइंट के बाद अगर कोई डिफरेंसेज भी है तो नो प्रॉब्लम आपका आंसर करेक्ट है वो।
ठीक है, तो वन आ गए, यही आपका वन था। तो मैंने अभी जो बताया, अभी तक मैंने जो बताया आपको कि ये जो हमने याद करना है, बट इसमें याद करना है 2, 3, 5 और 7 और कुछ भी याद नहीं करना है, वो 4, 6, 8, 9 और 10। 10 तो ऐसे याद करना है, 10 तो मैंने सिर्फ प्रूफ के लिए बताया आपको, मेनली 4, 6, 8, 9 को आपको ऐसे फाइंड करके जहाँ पर अप्लाई करना है आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो मैंने अभी जिस तरह से बताया, अब मैं ये बताऊँगा भाई कि कुछ पॉइंट में अगर नंबर है तो उसको कैसे फाइंड करेंगे हम। आपने तो 4 और 8 हमने फाइंड कर दिया, 9 फाइंड कर दिया, लेकिन जब पॉइंट में नंबर है तो उसको कैसे फाइंड करेंगे इनको यूज करके, है ना। तो आइए आपके सामने वो भी मैं एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ, देखिए इसको। आइए हम लोग अब अभी तक जो किया हम करेंगे पॉइंट वाले कि लॉग 2.9 है या 2.9 के आगे कुछ भी और भी है, आप जानते हैं कि लॉग मेनली 4 डिजिट का यानी 4 डिजिट नंबर का ही लॉग हम फाइंड कर सकते हैं, है ना। अगर 4 डिजिट के आगे होगा, पांचवा छठा डिजिट अगर है तो उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, उनका लॉग हम नहीं देख सकते हैं, है ना, अभी जानते हैं ना। तो ये 2.9 हमने 9 लिया है, सपोर्टेड इधर भी है, उसे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि पॉइंट के राइट हैंड जो मेंटिसा जो आंसर आएगा, कोई डिफरेंस भी आता है कुछ है, तो नो प्रॉब्लम, आपका कैरेक्टरिस्टिक यानी करेक्टर जो होगा पॉइंट के पहले वाला जो अंक है जो डिजिट है वो आपका करेक्ट होना चाहिए, तभी आपका न्यूमेरिकल्स का आंसर सही माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। तो देखिए कैसे हम विदाउट टेबल हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें कोई लॉग टेबल की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, सिर्फ इसकी ज़रूरत है जिसमें मैं लगा दिया उसकी ज़रूरत है, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये पहला क्वेश्चन मैंने ले लिया, ये इसका फाइंड करना है। तो क्या करेंगे आप देखिए, यहाँ पर लॉग 2.9 का मतलब क्या है भाई, लॉग 2.9 का मतलब ये है कि 2 से ज़्यादा है, 3 से क्या है, कम है ना, और 2 ज़्यादा यानी 2 ये है, 3 है, यानी इनके बीच में होगा ये, है ना। तो देखिए हम जानते हैं कि log 2 का हमारे पास कितना है, यानी पता है कि 2 और 3 के बीच में ही है, 2 और 3 के बीच में ही है, तो log 2 का वैल्यू हमारे पास कितना है जी, है ना, 0.3010, और इसके बीच में होना चाहिए यानी 3 कितना है, ध्यान दीजिएगा 0.4777। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे इसका, तो आपको पता है 2.9 है, ये 2 है 3 है, तो 2.9 यानी 9, क्योंकि जैसे ही एक प्लस होगा कहाँ जाएगा, 3 पर जाएगा, यानी जस्ट ये वैल्यू आ जाता, लेकिन उसे कुछ कम है, समझ रहे हैं कि कुछ कम है ना, यानी आपका 3 से 1 ही कम है, तो यानी यहाँ अब जब भी होगा इसके बीच में वैल्यू होगा, ये 3.0 है और 4.7 है, अब जैसे 3.0 और 4.7 के बीच में क्या डिफरेंस है, 17 का डिफरेंस है ना, तो 17 है, तो 17 का हाफ करेंगे मान लीजिए 18 है, 18 का हाफ करेंगे 9, यानी 9 का आता है इस पर, तो 9 का मतलब क्या 39, और 39 से हमें ऊपर और जाना है, 39 से और ऊपर जाना है, कहाँ तक जाना है, 4 और ऊपर और बढ़ना है ना, तो करीबन और आगे बढ़ना है, तो 4 का मतलब क्या 45 के आसपास आ जाएगा, मतलब हमने क्योंकि जस्ट इससे नीचे रहना है, तो आप इसका आंसर यहाँ पर क्या लिख देंगे, 45 लिख दीजिए, 46 लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम, यानी इसका आंसर जो आ जाएगा आप समझ रहे हैं इसके बीच में कि इसका आंसर आ जाएगा क्या, ध्यान दीजिए 0.46। क्या लिखेंगे आंसर, 46, आप 0.46 लिख दीजिए, आपका आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, यानी ये log 2.9 का आंसर 0.46 आपका आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, जब आप न्यूमेरिकल्स में इसको अप्लाई करेंगे, आप केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे, बिल्कुल आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि मैंने पहले बताया पॉइंट के बाद में थोड़ा सा डिफरेंस भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पॉइंट के पहले जो करेक्टर है जिसको करेक्टरिस्टिक कहते हैं वो आपका सही होना चाहिए, है ना। सपोर्टेड कि मान लीजिए ये हमने फर्स्ट किया है, सेकंड आपका ये होता, सेकंड ये होता कि सपोर्टेड कि ये आपका लॉग होता, ध्यान दीजिए लॉग होता 2. क्या होता 8 होता, 2. क्या होता 8 फाइंड करना होता। अब देखिए 2.8 भी क्या है, इसके बीच में ही है ना, जब इसके बीच में है तो आपने देखा कि इसका हाफ जब करते हैं करीबन 39 आ रहा है, मतलब 9 पे जा रहा है, 39 हमने ऊपर 3 करीबन 3 अप्रोक्स और आगे बढ़ना है, तो जब ये हमने 46 लिख दिया
या 45 भी अगर लिख दिया तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होता है ना। तो इसे करीब हम इसका जब आंसर लिखेंगे तो कितना आंसर लिखोगे 0.44, क्योंकि हमने इसका झुकाव कहाँ है, 8 है ना, तो 8 का झुकाव जैसे 9 का झुकाव था 3 की तरफ है, तो जस्ट 9 के पहले 8 है तो 3 की तरफ ही होगा, जो 4-7 आना है 4-7 से पहले आ जाना है, हमने 4-4 लिख दिया। ये भी आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाँ, इसके जो थर्ड डिजिट है, फोर्थ डिजिट है, कुछ और भी हो तो उसे कोई हमने लेने जाना नहीं है, समझ रहे आप। तो किस तरह से ये विदाउट लॉग टेबल को यूज किए हुए आपको किस तरह से सॉल्व हो रहा है ना, यानी आंसर जो आएगा अप्रोक्सीमेटली ही आएगा। ओके, चलिए हम थर्ड एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, 5.7 है, लीजिए हमने लिया थर्ड में कि ये लीजिए आपको लॉग फाइंड करना है क्या 5.7। अब 5.7 है तो आप देखिए कि 5.7 का क्या अर्थ है, इसका मीनिंग है कि 5 और 6 के बीच में रहा होगा और 5.5 है ना, 5.5 यानी 5.5 से भी ऊपर है ये, आप समझ रहे हैं। तो देखिए अब किसके बीच में, तो इसका मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि 5 है, यानी ये 5 और 6 के बीच में है, तो लॉग 5 का हमारे पता है कि क्या है 0.6970 है, और 6 का आंसर आप देख रहे हैं, 6 का मैंने निकालने का कुछ सिखाया था, बोला था कि 6 को याद नहीं करना है, तो नहीं करना है तो क्या ये आप बहुत जल्दीबाजी में आप कर नहीं सकते सॉल्व, तो 77 मैं यहाँ से लेता हूँ कि 80 है, 7780। अब इसके बीच में रहा होगा ये है ना, लेकिन ये 5.5 से ऊपर है, समझ रहे हैं, पर तो 5.5 से ऊपर है आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये यानी 5.5 यानी आधे करीब जाता, आधे यानी 6.9 यहाँ है या 7.9 है, तो 6.9 या 7.7 में कितना डिफरेंस है, तो आप देख रहे हैं 8 का डिफरेंस है, कितना का है जी, 8 का डिफरेंस है, तो 8 का डिफरेंस है तो 8 का अगर हाफ करिए तो 4 हो जाएगा, तो अब इसमें 4 अगर प्लस करते हैं इसमें है ना, 4 अगर प्लस करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, इसमें 4 प्लस करें 69 है, जान लीजिएगा तो 73 यानी 74 का आसपास मान लेते हैं है ना, 74 आ गया, ठीक है, लेकिन हमने उससे भी आगे ऊपर जाना है, इससे भी क्या जाना है, ऊपर जाना है, तो ये करीब 75 के आसपास इसका आंसर, यानी इसका आंसर आप लिखेंगे है ना, तो क्या लिखेंगे 0.75, ये लीजिए आपका। इस तरह से आप देख रहे हैं क्या मैंने बताया कि इसका मैंने हाफ किया, इसके बीच का डिफरेंस हमने देखा ये वैल्यू के 8 है, 8 को हाफ किया यानी 5.5 को निकाला तो 4, अब 4 इसमें प्लस कर दिया तो 73 के आसपास, यानी 74 मान लेते हैं, 74 के आसपास आ रहा है, हमने 5-2 और जाना ऊपर 7 तक पूछना है, तो 7 तक हमने 2 प्लस कर दिया 75, आप अगर यहाँ 76 लिख दिए, यहाँ पर 74 भी लिख दिए, नो प्रॉब्लम, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ये आपने देखा कि किस तरह से ये आंसर फाइंड हो रहा है ना, तो इस तरह से हम विदाउट टेबल हम फाइंड करते हैं हम लोग टेबल इसका लॉग वैल्यू। अब आइए हम एक आध एग्जाम्पल और भी रखते हैं आपके सामने, चलिए हम लेते हैं मान लीजिए कि लॉग 1, और चलिए हम लेते हैं आपको मान लीजिए कि 145 लेते हैं, चलिए लॉग 145 का हमने लॉग फाइंड करना है, इसकी वैल्यू क्या होगा ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं जो हमने आपको पहले हमने वीडियो जो अपलोड कर रखा है उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसका कैरेक्टर निकालते हैं। अब इसको आप ऐसा करिए, प्रोसेस मैंने उसमें भी बता रखा था, है तो मैंने 1 क्योंकि पॉइंट नहीं है यहाँ पर, तो पॉइंट नहीं है तो पॉइंट यहाँ क्या करोगे आप कि पॉइंट यहाँ हो सकता है ना, तो पॉइंट के पहले कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, जब 3 डिजिट है तो 3 डिजिट में 1 माइनस करते हैं तो 2 समथिंग, यानी इसका आंसर आप जानते हैं कि इसका जो आंसर आएगा जब भी आएगा आपका इसका आंसर 2 समथिंग ही आएगा है ना, इसका आंसर जब भी आएगा क्या आएगा 2 समथिंग। किसे बता रहा हूँ कि मैं पीछे वीडियो में बता रखा है कि यहाँ पॉइंट नहीं है, यानी आप यहाँ 0.0 लिख सकते हैं, तो पॉइंट के पहले जो कैरेक्टर्स है 3 डिजिट्स है और 3 में 1 माइनस करेंगे क्योंकि लॉग में माइनस करते हैं एंटी लॉग में प्लस करते हैं, तो 3 में 1 माइनस करिएगा 2 आएगा, यानी 2 समथिंग इसका आंसर रहा होगा है ना, लेकिन कैसे रहा होगा वो भी देखिए। आप सबसे पहले आप इसका प्रोसीजर जो लीजिए कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दीजिए, अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, लेकिन हमने इसको हेल्प से निकालना है ना, क्योंकि हमने तो याद किया भैया 2, 3, 5, 7 ये भी याद किया है, तो इसके हेल्प से निकालना है, इसलिए इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, कैसे आप जानते होंगे कि हमने इस पॉइंट को यहाँ करना है ना, इसका 100 से डिवाइड करना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.45 आएगा और मल्टीप्लाई में 10 का पावर कितना 2 आएगा,
ये आ गया आपका, देखिए पॉइंट यहाँ पर आपका है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि डेसिमल आफ्टर वन डिजिट यानी एक अंक के बाद दशमलव होता है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, आपको पहले प्लस में है तो प्लस से आपको पता है कि प्लस ये सॉरी मल्टीप्लाई में है तो प्लस में हो जाएगा। कैसे भाई, तो देखो बच्चे यहाँ पर 1.45 ये हो गया और प्लस में क्या हो गया कि लॉग 10 की पावर क्या है 2 है। आप ये भी जानते हैं कि इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, लॉग 1.45 तो अभी चलता रहेगा और ये पावर है तो पावर क्या आता है पहले है ना लॉग 10 और लॉग 10 की वैल्यू आप जानते हैं कि 1 होता है तो 2 मल्टीप्लाई 1 है क्या हो जाएगा सिर्फ 2 होगा, क्या हो जाए यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू तो मैं पहले लिख लूंगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 1 हो गया तो 2 मैंने पहले लिख दिया है ना। और बात रही इसकी, तो इसकी जो आंसर आएगा तो पॉइंट में आएगा, आपको पता आपको तो पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया क्योंकि प्लस करना है या चलो अभी हम रहने देते हैं। चलिए इसका हम सिर्फ आंसर लिखते हैं, पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो अब देखिए 1.45 पहले जैसा बन गया है तो 1.45 का जब आंसर निकालेंगे तो अब किसके बीच में है जी, तो आप देख रहे हैं कि 1.45 है, आपका 1 और 2 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, यहाँ से लेना है, देखिए यहाँ पर यहाँ से लेना है, मैं इसका ही लिख रहा हूँ, तो 2 आपका 3010 है और 4770 है, इसके बीच में रहा है तो 1.4 आप सिर्फ 4 लीजिए अगर या 4.5 लीजिए तो हाफ से थोड़ा क्या कम है यानी एक कम है हाफ से है ना, इसके बीच में क्या डिफरेंस है देखिए यहाँ पर 30 अब 40 2 डिजिट लीजिए आप सिर्फ 2 तो 3040 फिर यहाँ 17 का डिफरेंस है ना, 17 का डिफरेंस है, 17 को आप यानी 18 मान लीजिए हाफ करिए क्या हुआ 9 और 9 इसे प्लस करेंगे 39 आएगा, क्या आएगा जी 39 आएगा। ठीक है 39 या आप 40 के आसपास ले लो लेकिन ये इससे थोड़ा कम है, उसे क्या कम है तो कम है तो 39 ही रख दीजिए यानी 0.30 यानी इसका जो आंसर आ गया है ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 0.39 है ना, समझ रहे हैं पर कि हाफ से कम है तो 39 हो गया और प्लस क्या करना है जी 2 तो आपका आंसर एंड 2 यहाँ आ जाएगा क्योंकि 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट आपका आ गया है 3 और 9 ये दीजिए आपका ये भी आंसर आ गया है ना। आप देख रहे हैं मैंने पहले कहा था आपको इस मेथड से शॉर्ट मेथड जो हमने बता रखा है टेबल यूज करते हुए शॉर्ट मेथड है हमने बता रखा है पीछे वीडियो में अपलोडिंग है आप उसको देख सकते हैं, 2 पहले कहा था 2 आ चुका है ना। तो ये तो आपको जो अभी हमने समझाने में आपको बताने में इतना टाइम लग रहा है लेकिन आप जब करेंगे तो मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में आप इस वैल्यू को फाइंड कर लेंगे ज्ञात कर लेंगे। ठीक है तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैं आपको विदाउट टेबल बिना टेबल को यूज किए हुए हम किस तरह से आपको मैं ये सॉल्यूशन करना बता रहा हूँ, बिल्कुल आपका केमिस्ट्री में बहुत ही हेल्पफुल होगा ये जो सॉल्यूशन है, बिना टेबल के आपके पास टेबल नहीं रहेगा और केमिस्ट्री जो न्यूमेरिकल्स करेंगे आपके लिए आप सब बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा जब आपको टेबल नहीं होगा तो। और बहुत ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं जो बिना टेबल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जब भी लोग इस तरह से क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल्स आते हैं केमिस्ट्री में तो आपको वहाँ पर टेबल नहीं होगा, जे मेन्स वगैरह में यहीं टेबल नहीं है नो प्रॉब्लम, कोई आपको टेंशन लेने की बात नहीं है ये सॉल्व हो रहा है। चलिए मैं एक आध एग्जाम्पल आपको और भी दिखा रहा हूँ, आइए चलिए आइए मैं अदर एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूँ, इसको बता दें कि हमने इसमें 3.674 इसमें टोटल कितने हैं 4 डिजिट्स हैं 4 अंक हैं है ना, हमने अभी तक 2 अंक लिया था ना अब 4 अंक ले लिया नो प्रॉब्लम है ना। आपके पास टेबल नहीं है, टेबल हो तो बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड करेंगे इसका सोल्यूशन इसका मैंने बता रखा है पहले आप देख सकते हैं अदर वीडियो देख सकते हैं आप प्ले लिस्ट में जाकर, लेकिन मैं यहाँ हमारे पास टेबल हमने यूज नहीं करना सिर्फ इसको यूज करना है। तो आपको पता है 3.6 लीजिए पहले इसको छोड़िए आप 3.6 तो 3.6 है तो किसके बीच में दोस्त किसके बीच में है तो ये जो नंबर है आपका 3 और 4 के बीच में है ना, 3 और 4 के बीच में है ये तो 3 और 4 के बीच में है डेट में 3 का हमारे पास कितना है 0.4770 और आपका 4 का है 0.6020 ये लीजिए। देखिए कितना आसानी से फाइंड होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कोई नहीं, अगर 1-2 डिजिट नीचे ऊपर भी आप लिख देते हैं करेक्ट आंसर है आपका। मैंने बार बार बोला फिर बोल रहा हूँ दोबारा कि आपको पॉइंट से पहले जो होना चाहिए वो करेक्ट होना चाहिए, पॉइंट के बाद अगर 1-2 2-3 डिफरेंस भी होता है नो प्रॉब्लम। ठीक है देखिए यहाँ पर तो जब 4-7 ये इसके बीच में है तो आप इसके बीच में डिफरेंस कितना हो गया ये 4-7 और 6-0 यानी करीबन कितने का 13 का डिफरेंस है 13 यानी 13 है ना 13 है 14 मान लेते हैं हम चलो तो 7 हाफ करिए 7 होगा
तो हाफ सात करेंगे और ये 3.6 यानी हाफ से ऊपर है, 3.6 हाफ से ऊपर है, आगे में 7.4 यानी हाफ से भी और ऊपर है ना। तो हम जब हाफ करेंगे 7 और 7 इसमें प्लस करते 4.7 में तो कितना आएगा आपका 54 के आसपास आता है ना। 54 अब 54 से भी ऊपर जाना हमने क्योंकि 6 है ना ऊपर जाना है, चलिए 55 ले लिया हमने ठीक है। और भाई और भी 7.4 भी थोड़ा सा और पड़ता थोड़ा सा और ऊपर हो जाइए यहाँ पे। अब समझ रहे हमने क्या किया कि हाफ पहले किया 3.5 पर आया तो 3.5 हमने इसमें 14 का हाफ कर दिया हमने, फिर दोबारा बोल रहा हूँ मैं हाफ कर दिया तो आपका क्या आ गया 54 आ गया। 54 से पर और ऊपर जाइए क्योंकि ऊपर है तो 55, अब 55 हो गया तो भैया और भी ना ये 7.4 भी है ना और डिजिट है ना तो और रहते थोड़ा सा और बढ़ जाइए तो 56 लेते हैं ये लीजिए। तो जी आपका आंसर हो गया कितना, आपका ध्यान दीजिए आपका आंसर हो गया है 56, ये लीजिए 56 आपका आंसर आ गया है ना। और अब यहाँ पॉइंट है, अब पॉइंट के पहले क्या लिखेंगे हम मैंने बताया था देखिए छोट मित्र यहाँ पे कि पॉइंट के पहले कितने डिजिट है, 1 डिजिट, एक अंक है, एक अंक है ना ठीक है। तो जब एक अंक है 1 डिजिट है यानी तो क्या हमने मेथड है भाई, जब ये कैरेक्टर निकालोगे तो कैरेक्टर निकालने का तरीका क्या है, जब एक अंक है तो एक में क्या करेंगे माइनस करेंगे तो एक में माइनस करके 0 होता है। हमने देखा पीछे बार भी 3 था, 3 माइनस किया था 1 तो 2 आया था और फिर हमने 10 वाला 10 का पावर स्टैंडर्ड फॉर्म ले जाकर बताया 2 ही आया था। तो जी वही मेथड है अपना शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल, एक सेकंड से पहले करना 1-1 और क्या आ गया यहाँ पर 0। यस आपका आंसर हो गया 0.56 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ठीक है। कोई नहीं काटेगा इसको, कोई नहीं कि इसको काट सकता है ठीक है। हाँ अगर मैं टेबल्स देखता है इसको तो क्या करता मैं कि 36 यानी 36 के 7 में देखता है ना और फिर उसका डिफरेंसेस जो राइट हैंड होता है आपके टेबल में बुक में फिर हम 4 ऊपर से आता फिर यहाँ आता सामने 36 सामने और वहाँ जो भी होता वो मैं लिखता। लेकिन जब वह आप 36 के 7 देखते तो करीबन इसमें 4 डिजिट होता, कितना होता 5-6 और समथिंग कुछ और भी रहा होता और फिर 4 के डिफरेंस वाले इसमें प्लस कर देते वो आंसर आता। मैंने कहा 0 के बाद 2 डिजिट आपने लिख दिया, अगर 2 डिजिट लिख दिया आपने 2 अंक और नहीं लिखा आपने तो नो प्रॉब्लम है ना, 2 डिजिट इसमें काफ़ी है आपका आंसर करेक्ट है। समझ रहे कि अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल आंसर करेक्ट, अप्रोक्सीमेटली बहुत दूर नहीं है बिल्कुल करेक्ट आंसर के पास में होता है इसको आंसर बिल्कुल करेक्ट लिया जाएगा आपको। चलिए मान लेते हैं इसी को हम इसी लिए क्यू नंबर लेते हैं और ये हमारे पास क्या है, आप सीखने की कोशिश करिए कि कैसे विदाउट टेबल हम फाइंड कर सकते हैं ठीक है ना। सुपर ट्रिक हमने इसका नाम दिया है जान दीजिएगा। चलिए 3 है ये 6 है ना और मान लीजिए ये 7 है, ये लीजिए यहाँ ले लिया मैंने। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट यहाँ पर है देखिए अब यहाँ पर कितने डिजिट है ये 1-2-3 तो 3 है तो जब ये कैरेक्टर निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे तो इसमें 3 जो 1 किया था हमने अब 3-1 करना है 2 आ गया यानी इसका आंसर जब भी आएगा 2.something आएगा है ना 2.something आएगा। और अब इसको हमने 3-6-7 नहीं लेना, हमने जब लेना 3.67 लेना है या फिर अगर ऐसा नहीं आता तो डायरेक्ट आप अगर एज्यूम कर सकते हैं कि 3 हमने यहाँ ले लिया पॉइंट 3.67 का देखना 3.6 देखना सेम चीज़ आएगा यहाँ पर, अगर एज्यूम कर सकते हैं तो कर लीजिए नहीं तो फिर आपको प्रोसीजर वही है कि आपको जाना पड़ेगा क्या आपको जाना पड़ेगा 3.674 स्टैंडर्ड फॉर्म में जाना पड़ेगा आपको है ना। ये 10 के पावर कितना जाएगा 2 है ना और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जाकर इसके प्रोसीजर आप जानते हैं अभी हमने फोर्थ क्वेश्चन में आपको समझाया आपको उस प्रोसीजर से जाएंगे और ये 2 पहले यहाँ 2 बन जाएगा यहाँ पर है ना। मैंने कहा आप इतना ना करके आप अगर आप जब सीख गए आप तो आपको इतना नहीं करना है आपको क्योंकि विद इन 2-3 सेकंड में करना है तो बिल्कुल आपको एज्यूम करना है कि ये पॉइंट यहाँ आ गया है और ये 3 डिजिट था आपने निकाल दिया 2 है ना। अब 3.6 का देखना हमने 3.6 का मतलब है सेम कि 3 और 4 के बीच में वैल्यू होगी तो सेम यही प्रोसीजर लेना है और 2 पॉइंट क्या आ गया दोस्त बिल्कुल सेम अभी जो यहाँ आया था आंसर कहाँ आया था ये आया था 5-6 ये लीजिए आपका ये भी आंसर आ चुका है। देख रहे किस तरह से फाइंड हो रहा है ना। सब चीज़ आपको ऐसा नहीं करना है कि सब चीज़ आपको पूरी प्रोसीजर को अपना भाई आपको ऑप्शन करना है ऑब्जेक्टिव करना है ना तो ऑब्जेक्टिव में तो मैंने सिखा दिया आपको बता दिया तो आप ऐसा नहीं करोगे जो भी क्वेश्चन आएंगे आप प्रैक्टिस करोगे या एग्जाम में करोगे तो पूरी प्रोसीजर को लेना नहीं डायरेक्ट लेना प्रोसीजर भाई 3-1 2 2.something एज्यूम करना है कि पॉइंट यहाँ पर है 3.67 या 3.something है वो 3 और 4 के बीच में आएगा 3 और 4 के बीच में आएगा आप जिस तरह से प्रोसीजर बताया अप्लाई करिए। चलिए मान लेते हैं सपोर्टेड
कि ये आपके पास ऐसा है, सेवंथ लेते हैं हम, इसी नंबर को मैं ले लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा, इसी नंबर को मैं आपको अलग अलग पॉइंट का जो ये डेसिमल का पोजीशन चेंज करके मैं बता रहा हूँ कि ये थ्री है, ये सिक्स है, ये सेवन है और ये फोर है। चलिए अब मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट है ना, चलिए मान लीजिए यहाँ भी अब सिक्स है, वो लो ये भी सिक्स है, यहाँ भी ऐसा, तो याद करिए कि मैंने सिक्स का मान लेते, इसके बाद सेवन भी है नो प्रॉब्लम, और इसके बाद कुछ और भी है नो प्रॉब्लम, क्योंकि आप जानते हैं कि लॉग ओनली फोर डिजिट नंबर का ही लॉग फाइंड कर सकते हैं, है ना, पांचवें छठे प्लेस पर जो डिजिट्स हैं उसका कोई मतलब नहीं है। तो आपको चार डिजिट का लेना है, अगर सिक्स सेवन में हटा भी दूँ यहाँ से कोई डिफरेंस नहीं है, रख भी दूँ या और भी यहाँ पर लिख दूँ कोई मतलब नहीं है, मैंने कहा लिखते लिखते यहाँ तक चलाओ ना, नंबर नंबर पॉइंट के बाद कुछ दिक्कत, या पॉइंट के बाद नहीं भी लिखो नो प्रॉब्लम, उसे कुछ दिक्कत नहीं है, हमने देखना है चार डिजिट का, है ना। ये देखिए तो हम क्या करेंगे, आपको शॉर्ट मेथड करें, शॉर्ट मेथड ये चार डिजिट है तो चार में से माइनस क्या करेंगे भैया, वन करेंगे तो कितना आएगा, थ्री आएगा, ठीक है थ्री आएगा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर जो आंसर आएगा आपको पता लग गया ये थ्री यानी थ्री पॉइंट समथिंग आना है आंसर हमें। अब एज्यूम करिए कि पॉइंट कहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, जब पॉइंट यहाँ पर है तो फिर वही बात बन गई ना 3.6, और 3.6 बन गई तो हमने मेथड अभी बताया अभी कि कैसे अप्लाई करेंगे, तो 3.6 को अप्लाई करिए और सेम आंसर आएगा आपका 5.6, ये लीजिए आपका इसका भी आंसर आ गया, अंतर क्या हो रहा है यार, 2 पॉइंट था या 3 पॉइंट आ गया, है ना, आप समझ रहे, ये 3.5 से आ गया क्योंकि इस डेसिमल पर डिपेंड कर रहा है ना। अब जैसे मान लीजिए मैं और भी आपको एग्जांपल लेता हूँ, लीजिए ये लीजिए मैंने लिख दिया कि 3 पॉइंट, ये देखिए पहले लॉग लिखे यहाँ पर, ये लीजिए लॉग, आप लीजिए 3, 6, 7, 4, 5 भी है और 8 भी है, चलिए चलिए इसके बाद कुछ नहीं है, पॉइंट है ही नहीं, बोल लीजिए आप जो पॉइंट देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट है ना, सिक्स डिजिट्स है तो सिक्स डिजिट्स के तो निकालते नहीं है, आपको आपका इम्पोर्टेंस लॉग में क्या है, ओनली चार डिजिट का यानी चार अंक का है ना, ये जितना अंक है ये 6 डिजिट है, कोई लेन देन नहीं, हमने चार का पहले चार का निकालना है, बाद में लेना देना तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर लेना देना क्या होगा, इम्पोर्टेंस है यहाँ पर, कैसे है भाई, तो यहाँ पर कुछ नहीं था, हमने पॉइंट यहाँ मान लिया हमने, ये लीजिए है ना, जब यहाँ पॉइंट आ गया तो आपको देखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स है, तो जब कैरेक्टर निकालेंगे ये चीज निकालेंगे यहाँ रखने के लिए तो क्या होगा भाई, 6 माइनस क्या होगा 1 होगा, ये लीजिए 5, इसी का इम्पोर्टेंस सही है ना, अब जो आंसर आएगा 5 पॉइंट समथिंग आएगा, क्या आएगा जी 5 पॉइंट क्या आएगा समथिंग, ये लीजिए 5 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, तो 5 पॉइंट समथिंग क्या आएगा, अब इस पॉइंट को हम एज्यूम करेंगे यहाँ पर है, क्योंकि हमने यहाँ 5 लिखने का मतलब, क्योंकि आप जब स्टैंडर्ड फॉर्म करते ऐसे तो 10^5 आ गया था, अब समझ रहे, क्योंकि यहाँ पॉइंट लाना है 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट पास करके पीछे लाना था तो 10^5 आया था, 5 यहाँ गए, मैंने कहा ऐसा नहीं करना है, आपको शॉर्ट फॉर्म करना है, शॉर्ट ट्रिक्स करना है ना, फास्ट करना है, सबसे पहले करना है, तो आप यही करेंगे कि ये 6 - 1 5 आ गया, अब 5 आ गया तो पॉइंट यहाँ आ गया, जब पॉइंट आ गया 3.6 और 4 से जब सेम 3 और 4 के बीच में आ गया और सेम आंसर लिखेंगे जो यहाँ आंसर लिखे, यानी क्या 5 और 6, ये लीजिए यानी इसका आंसर क्या आ गया 5.56, ये लीजिए है ना, क्या डिफरेंस है, ये पॉइंट के बाद तो सेम आ रहा है लेकिन पॉइंट के पहले जो कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर 3 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है ना, और बड़ा नंबर तो 8 आएगा, किसी में 1 आएगा, किसी में 0, 0 वाला भी आपको आ चुका है, 0 वाले यहाँ देखिए है ना, तो डिपेंड करेगा कि ये पॉइंट का पोजीशन कहाँ है, किस स्थान पर, कितने अंक के बाद, कितने डिजिट्स के बाद आपका ये पॉइंट है, डेसिमल है, दशमलव है, उस पर डिपेंड करता है ये आपका आंसर है ना, लेकिन किस तरह से अप्रोक्सीमेटली आपको हमने सिखाया, मैंने बिना विदाउट टेबल यानी टेबल लॉग टेबल ना यूज करते हुए किस तरह से आंसर आ रहा है आप उसको सीखिए, इस टेबल को या इस जो क्वेश्चन हमने किया है, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किया अभी हमने आपके सामने 8 क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, आपको समझाने की कोशिश किया मैं, आप बार बार इसको रिपीट करके देखेंगे, आप समझने की कोशिश करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हर बच्चे को जो देखेंगे उनको समझ आ जाएगा, कोई भी ऐसा बच्चे नहीं है जिनको समझ नहीं आएगा, ठीक है, तो मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि इतने एग्जाम्पल जो मैंने 8 एग्जाम्पल दिया आपको, इतना एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी है,
है ना, बाकी तो खुद प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि 10 के बदले आपको 100 खुद प्रैक्टिस करना है। अगर कोई टीचर या मैं अगर 10 बताया आपको, तो आपको खुद ही आपको उसमें 50-100 क्वेश्चंस या 10 के बदले कम से कम 20 भी करो, आपको प्रैक्टिस करना है, तभी आप सक्सेस रहोगे, सफल रहोगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दिया हूँ, और अभी भी किसी को अगर प्रॉब्लम हो मेरे वीडियो देखने के बाद भी, तो आप कमेंट जरूर करिए, कमेंट में मैं पूरी हेल्प करूँगा आपको, ये मैं आपका आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा मैं कहूँगा लास्ट में कि मेरे चैनल सुंदर बिल क्लासेस को जिसने उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको अच्छा लगता है, आपको इंटरेस्ट आता है, या आपको लगता है कि हाँ इस वीडियो में दम है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ मतलब ये संजय सर से मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ, तो आप शेयर भी करें अपने दोस्तों को, अपने जानने वाले रिश्तेदारों को, अपने जूनियर सीनियर्स को, आप ज़रूर इसको शेयर करें, और मैं ऐसे ही हमारी एनर्जी आप जब सपोर्ट करेंगे तो हमारी बढ़ती रहेगी, और नए नए वीडियो में कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी नई नई बातें मैं लेकर आता रहूँगा। बाकी हमारा जो रेगुलर क्लासेस है वो हमारा 12th मैथमेटिक्स चल रहा है, जो हमारा अभी भी यूनिवर्स फिनिश हुआ है, आगे हम कैलकुलस शुरू करने वाले हैं, आप हमारे साथ लगे रहिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद।